राजसमंद में पटाखे की दुकान पर जीएसटी का छापा। राजसमंद शहर में कर चोरी की शिकायत के बाद जीएसटी राजसमंद की टीम ने दबिश देकर पटाखों के स्टॉक क्रय विक्रय का रिकॉर्ड जब्त करते हुए जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया बड़ी अनियमितता की आशंका को देखते हुए सारा रिकॉर्ड पेश करने के लिए दुकानदार को नोटिस जारी कर दिया है। राजसमंद शहर के कांकरोली चौपाटी स्थित न्यू इंडिया जनरल स्टोर पर जीएसटी टीम ने सुबह दबिश दी, जहां अतिरिक्त आयुक्त बिलवाड़ा प्रशासन हितेश त्रिवेदी के निर्देशन में राजसमंद के उपायुक्त नैनाराम प्रजापति व नवीन भटनागर के नेतृत्व में सर्वे शुरू किया गया। दुकान पर पटाखों के क्रय विक्रय के साथ ही स्टॉक के बिलों की जाँच शुरू कर दी गई। पटाखों के क्रय विक्रय पर 18% जीएसटी है, मगर मुनाफे के चक्कर में बिना जीएसटी कर चुकाए ही पटाखों के क्रय विक्रय करना प्रथम दृष्टया सामने आया। इस पर जीएसटी टीम की दिन भर दुकानवाद पर कार्रवाई जारी रही और प्रथम दृष्टया दुकान व गोदाम में पटाखों के स्टॉक के साथ क्रय विक्रय संबंधी बिलों का मिलान किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितता के संकेत मिले। इस पर जीएसटी विभाग द्वारा न्यू इंडिया जनरल स्टोर कांकरोली के दुकानदार को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में सारा रिकॉर्ड जीएसटी विभाग में के समक्ष पेश करने के लिए पाबंद किया गया। पूरे रिकॉर्ड की जांच होने के बाद चोरी का खुलासा होगा। फिलहाल जीएसटी टीम का सर्वे व जांच प्रक्रिया जारी है। अब देखिए कार्रवाई के दौरान जीएसटी उपायुक्त नैनाराम प्रजापति क्या कुछ बोले। जीएसटी डिपार्टमेंट से और त्योहारी सीजन को देखते हुए क्रैकर्स पर कार्रवाई, इसी तरह से दूसरी कमोडिटी जो त्योहारी से जन्म होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी अभी जांच चल रही है, जांच उपरांत ही कंक्लूजन हो पाएगा। ठीक है, मैं आराम होता है, हम लोग वैसे ही जांच करते रहते हैं। आवश्यक नहीं है कि कोई कर चोरी पाई जा रहा है, ऑडिट होगी।